नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। अमेरिका के मिसौरी में ट्रेन हादसे की खबर सामने आ रही है, जिसमें मरने वालों की संख्या करीब 40 तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि मिसौरी में ट्रेन से एक ट्रक टकरा गया था, जिससे ट्रेन पटरी से उतर गई। लॉस एंजलिस से शिकागो जा रही ट्रेन में 243 लोग सवार थे। मेंडेन शहर की क्रॉसिंग के पास ये हादसा हुआ। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 1 जुलाई को मतदान होना है। इससे पहले सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और एसपी मयंक अवस्थी मतदान केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मतगणना पेटियों के लिए बनाए स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से सीसीटीवी कैमरा, फायर सेफ्टी उपकरण और सुरक्षा व्यवस्था में लगे कर्मचारियों की ड्यूटी के संबंध में संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव में राजनीति चरम पर है। आपको बता दें कि बीजेपी राज्य मंत्री पुत्र को कांग्रेस ने पद का प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया के कहने पर उन्होंने अपने पुत्र की कांग्रेस से पार्षद की पद दावेदारी खत्म कर दी और कांग्रेस पर अपने पुत्र को बरगलाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएगी। जिस दिन सिंधिया महाराज ने कांग्रेस को छोड़ा और भाजपा में सिंधिया जी गए, तो हम जैसे लोगों ने अपने पद को ठुकरा दिया था। विधायक को ये तो पार्षद का पद है। इन्होंने गुमराह करके हमारे बेटे को सरमंत सिंधिया जी के चहेते, आप सब लोग जानते हो कि पौरी में यदि सिंधिया जी किसी को चाहते थे तो वो जमील अंसारी जी को चाहते। कांग्रेस ने चाल चला और हमारे बेटे को गुमराह किया और हमारे बेटे के नाम टिकट फाइनल कर दिया। सोमवार को कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को लेकर सभी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। रायपुर उत्तर विधानसभा के विधायक कुलदीप जुनेजा ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध जताया। इस दौरान विधायक कुलदीप जुनेजा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ सही नहीं कर रहा है। इसको लेकर रायपुर संवाददाता चित्रा पटेल ने विधायक कुलदीप जुनेजा से खास बातचीत की, सुनिए। अग्निपथ के विरोध में हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। 36 में 71 कांग्रेस के विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा हमारे साथ मौजूद हुए, अपने क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको आप लोग राजनीतिक रूप क्यों दे रहे हो? राजनीतिक रूप कहाँ से दे रहे हैं? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने उनको नौकरी नहीं दी, सम्मान नहीं किया था, लेकिन अब अपमान तो मत करो। अब ये सीधा सीधा युवाओं के साथ अपमान किया जा रहा है। 4 साल की नौकरी 18 साल के युवक को आप नौकरी देंगे और 22 साल में रिटायरमेंट कर देंगे, पेंशन देंगे नहीं, उसके बाद उनकी शादी कौन करेगा, बच्चे की शादी कहाँ से होगी? ये तो उनका अपमान है युवाओं का। इसके विरोध में कांग्रेस जन आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी ये लड़ाई देश में जारी रहेगी। इस पीएम कानून को सरकार वापस लेना चाहिए। रायपुर में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने छात्र छात्राओं के सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए शैक्षणिक संस्थानों में संचालित स्कूली बसों का मैकेनिकल जांच शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में आयोजित किया गया। जांच में वाहनों का मैकेनिकल जांच और दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। साथ ही चालक परिचालकों का स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण करवाया गया। बता दें कि परिवहन विभाग रायपुर द्वारा प्रत्येक वर्ष स्कूली छात्र छात्राओं के सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था हेतु शैक्षणिक संस्थानों में संचालित स्कूली बसों का जांच शिविर आयोजित किया जाता है। विगत 2 वर्षों से अभी स्कूल बंद थे कोविड की वजह से, अभी स्कूल प्रारंभ हो गए हैं, तो हम लोगों ने सभी रायपुर जिले में संचालित स्कूल बसों का कल चेकिंग अभियान चलाया था।
इसमें 145 बसें आई थी और उसमें 37 बसें ऐसी थी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसमें हम लोगों ने 22,000 रुपये सम्मान शुल्क भी काटे हैं और सभी बसों का चार प्रकार के चेकिंग किया गया है, एक दस्तावेजों की जाँच की गई है, मैकेनिकल मुलायजा किया गया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने मोर महापौर मोर द्वार अभियान की बस को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस अभियान के चलते नगर निगम महापौर एजाज ढेपर 35 दिनों तक आम जनता से खुद संपर्क कर उनकी समस्या को जानकर उसका तुरंत निस्तारण करेंगे। इससे पहले तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान में 47,000 लोगों की समस्याओं का निराकरण किया गया था। मेयर ऑन कॉल महापौर आपके द्वारा एक कार्यक्रम आज से शुरुआत हुई है। मूलभूत आवश्यकता जो होती है उसको लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और वैसे भी नगर निगम आदमी के जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र देने का काम नगर निगम में होता है। नगर निगम की जो मूलभूत जो हमारे काम होते हैं, हम आधार कार्ड, राशन कार्ड, मजदूर कार्ड, उसके अलावा आपके वोटर आईडी में नाम जुड़ाना, उसके अलावा आयुष्मान कार्ड। रायपुर पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से 1,77,000 की कीमत के 17 मोबाइल फोन बरामद हुए। आपको बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अमानका थाना क्षेत्र में दो संदिग्ध चोरी के मोबाइल बेचने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की, जिसमें उन्होंने पूरे राज उगल दिए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसमें कई और खुलासे होने की उम्मीद है। थाना क्षेत्र में दो आरोपी जो हैं कभी नगर के जो रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 41-4 की कार्रवाई की गई है। ये इनके पास से 17 नग मोबाइल, लगभग 1,77,000 रुपये का मोबाइल बरामद किया है, जो अलग अलग स्थानों से इन्होंने प्राप्त करना बताया है और उसको वेरीफाई कर रहे हैं। 41-4 में दोनों आरोपियों को चेतन ध्रुव और करण ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर पुलिस ने एक निजी कंपनी से कच्चा माल चुराकर बेचने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि 21 जून से लेकर 24 जून के दरमियान एक निजी कंपनी से चोरों ने कच्चा माल चुराकर बाजार में बेच दिया, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र में एक प्रार्थी के द्वारा अपराध दर्ज कराया गया था कि उसके पेंट बनाने का फैक्ट्री है, वहाँ से कुछ रॉ मटेरियल और बना हुआ सामान चोरी करके ले गए थे, लगभग 90-95,000 रुपये का। उसमें शिकायत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और खमतौरी थाने के पुलिस के द्वारा वहीं पर काम करने वालों को संदेह के आधार पर पूछताछ किया, जिसमें से जो 5 उनके यहाँ काम करने वाले थे, 5 आरोपियों को इसमें घटना में संलिप्त पाया गया और उनके कब्जे से जो चोरी गए माल था लगभग 50-55,000 रुपये का बरामद किया है। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में बवाल जारी है। आपको बता दें कि मंत्री अमरजीत भगत ने स्कीम के खिलाफ सीतापुर विधानसभा में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम युवाओं के साथ किया गया धोखा है। ना वे सरकारी कर्मचारी रहेंगे, ना ही उन्हें पेंशन मिलेगी। इससे पहले उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में 95 लाख रुपए की लागत से बन रहे 6 कमरों का भूमि पूजन किया। में अग्निवीर जो सेना में भर्ती करने जा रहे हैं वो युवाओं के साथ छलावा है, ना वो सरकारी कर्मचारी रहेंगे ना उनको पेंशन मिलेगा, एक ऐसी नौकरी है। और सेना में लड़ने के लिए उनको सरहद में भेजा जाएगा, हमारे बच्चों का जान जाएगा, अनट्रेंड बच्चों को वहाँ पर भेजा जाएगा, ना उनका पेंशन ना उनका कोई सुरक्षा का जवाबदारी। उत्तर प्रदेश में योगी राज के चलते कानून व्यवस्था का बोलबाला नजर आ रहा है। ताजा तस्वीरें रामपुर मनिहारन पुलिस चौकी से आई हैं, जहां हिस्ट्री शीटर रहे 9 आरोपियों ने अपराध ना करने की कसम खाई है। अपराध ना करने की कसम खाने वाले हिस्ट्री शीटर ज्यादातर बुजुर्ग हैं। इस दौरान थाना अधिकारी ने सभी को हिस्ट्री शीटर को अपराध ना करने की वार्निंग देकर छोड़ दिया।
नगरीय निकाय चुनाव के पार्षद प्रत्याशियों के समर्थन के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छतरपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब ना तो दिल्ली में है ना ही भोपाल में है। इससे पहले सीएम की सुरक्षा व्यवस्था में लगी पुलिस की सीएम समर्थकों से झड़प हो गई। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम ने रोड शो किया। छतरपुर का गौरव दिवस मनाएंगे, लेकिन चुनाव की घोषणा हो गई। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी तब छतरपुर वालों के बीच जाके उनसे चर्चा और बातचीत करूंगा और छतरपुर के विकास की एक नई योजना घोषित करेंगे, लेकिन बीच में चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गई, तो तब मैं आ नहीं पाया। लेकिन मैंने सोचा इस बार के चुनाव अलग है, पार्षदों से अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो अक्सर नगर निगम में प्रचार करने में जा रहा हूं, नगर पालिकाओं में उतना समय मैं नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन छतरपुर का नाम जब आया तो दिल ने कहा शिवराज छतरपुर जाए बिना तो तेरा चुनाव पूरा हो ही नहीं सकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं पर अमल हुआ है, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति के शिक्षित युवाओं को योग्यता अनुसार शासकीय नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अबू झमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, बिरहौर, बैगा, कमारपंडो और भुंजिया वर्ग के 9,629 युवाओं को मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो का विरोध कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सीएम पन्ना पहुंचकर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर रहे थे, इसी दौरान अचानक कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता बीच सड़क पर आकर सीएम का काफिला रोकने की कोशिश करने लगे, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा के 71 विधायक अपने अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि योजना में परिवर्तन करें। वहीं राजधानी रायपुर के ग्रामीण क्षेत्र के विधायक सत्यनारायण शर्मा भी अपने विधानसभा क्षेत्र बीरगांव में सड़क पर उतरकर मोर्चा खोले। इसको लेकर रायपुर संवाददाता चित्रा पटेल ने विधायक सत्यनारायण शर्मा से खास बातचीत की, सुनिए। अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ में 71 विधायक कांग्रेस के अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। आप लोग अग्निपथ विरोध में प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये जन अग्निपथ अग्निवीर के साथ अन्याय जो हो रहा है, मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हो रहा है। विशाल आप देख रहे हैं, विशाल विधानसभा स्तरीय जन आंदोलन है, सत्याग्रह आंदोलन है। सारे कार्यकर्ता इस बात के लिए आज चर्चा कर रहे हैं कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद करने में मोदी सरकार लगी है। ये थे ग्रामीण विधानसभा के क्षेत्र सत्यनारायण शर्मा विधायक, आज अग्निपथ विरोध को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और इनकी मांग है कि अग्निपथ योजना में परिवर्तन किया जाए और नौजवानों का जो है भला हो। निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के विरोध में विश्वासघात का आरोप लगा रही है। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्र पटेल, एनके न्यूज, रायपुर। सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना स्वीकृति के बने निर्माणों पर बुलडोजर चलवाया। आपको बता दें कि निर्माण कराने से पहले विकास प्राधिकरण को नक्शा जमा कर निर्माण की स्वीकृति लेनी होती है, लेकिन जमीन दोष की गई। संपत्ति के स्वामियों ने विकास प्राधिकरण से ना तो स्वीकृति ली ना ही नक्शा जमा करवाया। विकास प्राधिकरण की ओर से नक्शा जमा कराने के कई नोटिस भी जारी किए गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। विकास प्राधिकरण के माध्यम से आज की कार्यवाही कराई जा रही है। इन संपत्तियों का नक्शा स्वीकृत नहीं कराया गया था प्राधिकरण से और इनको पर्याप्त अवसर देने के उपरांत आज स्वीकरण की कार्यवाही हो रही है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में जैसे ही चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क तेज हो रहा है। बताते हैं कि आपको वार्ड क्रमांक 7 की तो यहाँ
से जिला पंचायत सदस्य के लिए हरिशंकर फौजी चुनावी मैदान में हैं। हरिशंकर फौजी का कहना है कि मेरा जगह मेरा स्वागत किया जा रहा है और मतदाताओं का अपार समर्थन मिल रहा है। वहीं उन्होंने जनता को हर समस्या को सुलझाने का विश्वास दिलाया। मेरा जनसंपर्क हुआ, वहाँ पे केलों से तोला गया, उसके बाद मैं पीपरी आया, पीपरी में पेठा से तोला गया, उसके बाद मैं रामपुरा में हूँ। जनता का क्या सहयोग रहा? जो जनता का बहुत अच्छा सहयोग है मेरे साथ, वो लोग जुड़े हुए हैं, बराबर चल रहे, थक गए सुबह से चल रहे तब भी वो साथ नहीं छोड़ रहे, भूखे हैं प्यासे हैं तब भी वो साथ में चल रहे बराबर। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। जिला मुख्यालय बड़वानी सहित आसपास अंचल में बारिश ने अपनी दस्तक दे दी है। वर्षा को देखते हुए किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं अपनी अच्छी उपज के लिए दवाई खाद की व्यवस्था के लिए किसान बाजारों में आ गए हैं और जमकर खरीदारी की जा रही है। बोकराटा क्षेत्र निवासी सुखलाल सस्ते ने बताया कि बोकराटा के आसपास ग्रामीण क्षेत्र के कुछ स्थानों पर गर्मी में जल स्तर कम होने के कारण पीने के पानी की कमी होने लगी थी। वहीं बारिश के चलते अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बुलंदशहर के नंगला चिरौरी गांव के प्राथमिक विद्यालय में मासूम बच्चों से झाड़ू लगवाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने डिबाई एबीएसए को जांच सौंपते हुए दोषियों पर जल्द कार्रवाई किए जाने का दावा किया। बता दें कि प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की मौजूदगी में झाड़ू लगवाई जा रही थी। शिक्षकों के इस कारनामे को स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो आज का ही है और जी ये नंगला चोरी जो उसमें डिवाई ब्लॉक में स्कूल पढ़ता है, अरे आज की घटना है और इसमें संबंधित जो उस ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी उनसे जांच कराकर और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये टीचर राजीव कुमार नाम के टीचर हैं जो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया, चूँकि आज इंचार्ज जो टीचर थे वो छुट्टी पर, तो यहाँ सहायक अध्यापक जो आज वर्तमान में उपस्थित था उसी के सामने ये सब काम। सहारनपुर में पीएम आवास योजना से वंचित चंद्रपाल खेड़ी की पत्नी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके चलते नकोड़ एसडीएम ने इस मामले में संज्ञान लिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जानकारी मिलते ही बीडीओ और स्थानीय लेखपाल को मामले की जाँच करने के आदेश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द महिला को योजना का लाभ दिलाया जा सके। खबर मुझे भी मिली है कि चंद्रपाल खेड़ी स्थित उक्त महिला के पास रहने के लिए पर्याप्त आवास नहीं है और उसे अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ नहीं मिला है। मुझे जैसे जानकारी हुई है इसके संबंध में मैंने वीडियो को भी और अपने स्थानीय लेखपाल को भी निर्देशित किया है कि तत्काल जाँच करके उसके संबंध में रिपोर्ट दें ताकि उसे प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जा सके। खबर मुझे भी अब बात मुंबई पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटालों की है, जहां कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ही
सरकार और आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर गैर सरकारी। हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटालों के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना भी मुश्किल पड़ता है। या साफ शब्दों में कहें तो सरकार के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे में लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटालों का बोलबाला। महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला। पैसे खिलाने वाले सरदार और ईमानदार कर्जदार। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जिम्मेदार। क्या काले कारनामों के जिम्मेदार नांद्रेकर साहब? आखिर कौन है करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार? आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार? जनता कर रही जांच की मांग। आखिर क्यों सरकारी नियमों को तोड़कर टेंडर दिया गया? बिना काम किए बिल क्यों दिए गए? ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की साठ गांठ। पैसे लेकर टेंडर देने का आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान देती है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं। सरकारी पैसे का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, काम न करते हुए भी बिल अदा किए जा रहे हैं और इसी निधि का गबन किए जाने का आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर पर लगाया जा रहा है। बता दें कि दो साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब अवैध कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है? तो इन घोटालों की आईआईटी मुंबई द्वारा जांच की जाने की मांग की जा रही है तथा आम जनता द्वारा मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नांद्रेकर व संबंधित अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड्स, संपत्ति तथा बैंक लेन देन की जांच करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। वहीं छोटे ठेकेदारों और आम जनता का कहना है कि जाँच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।